बे आसुम, ये प्रिया मेहरा की कोई नई डार्क पीरियड नाम की बुक आई है क्या मोटिवेशनल? हाँ पढ़ी है, हम लोग के लिए तो है समझो। अच्छा क्या है, बड़ी चर्चा में है? अरे जो लास्ट बुक आई थी उनकी आखिरी पन्ना उसी टाइप में है। अच्छा यार, इस बार डार्क पीरियड पढ़ने में लेट हो गया एग्ज़ाम के चक्कर में, वरना मैं तुझे आज स्टोरी सुना रहा होता। चल अच्छा थोड़ी शॉर्ट में सुना दे, बड़ी चुलबुली मच रही है। देख भाई, तरुण नाम के एक लड़की की कहानी है। देख के बेटा, देख के सड़क पार की जाती है, अभी गाड़ी चढ़ जाती तो मम्मी पापा तो ढूंढते रह जाते तुम्हारे। भैया किसी को ढूंढने के लिए ढूंढने वाला भी तो होना चाहिए। मतलब 2 साल की उम्र में मम्मी का देहांत हो गया, बाप नशेड़ी था, छोड़ के चला गया, ऐसा सब कहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अमर नाम है मेरा, तभी हर मुसीबत से बच जाता हूँ। इधर उधर घूमता रहता हूँ, अगर कोई काम मिल गया तो कर लेता हूँ। तो कोई प्रॉपर काम क्यों नहीं पकड़ते हो? जहाँ काम मांगने जाता हूँ बोलकर भगा देते हैं कि इसकी उम्र कम है, हमें इस उम्र में जेल नहीं काटना। मतलब जानते हो इसका? अरे हम क्या जाने साहब, हमें जो बताया जाता है हम रट लेते हैं आगे बताने के लिए। मतलब पूरा सिस्टम ही खराब है, वक्त रहते कुछ बड़ा बन गया तो सारा सिस्टम ही फाड़ देंगे। साला सड़क पे बच्चे भीख मांगते हैं, भूखो मरते हैं, तो कोई किसी को जेल नहीं भेजता है। भैया आप इतने बड़े हो गए और गुस्सा करते हैं। रुको ही, हेलो। हाँ प्रिया, वो तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है ना? हाँ लेकिन क्यों? यार वो एक बच्चे को काम की जरूरत थी। अरे यार मेरे पापा सुनते कहाँ है मेरी, वैसे भी वो तो कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो उनके साथ बच्चे काम कहाँ कर पाएंगे। चलो ठीक है फिर मैं देखता हूँ कुछ। वैसे किसके लिए काम की ज़रूरत थी? यार एक बच्चा है। अच्छा अच्छा सुनो, वो आशीष है ना जो, उसका अपना रेस्टोरेंट है, उससे बात करके देखो, हो सकता है वहाँ काम मिल जाए। अबे यार मैं तो भूल ही गया था, चलो रुको मैं आशीष से बात कर लेता हूँ। ए बेटा, ए बेटा इधर आओ। कहाँ पर रहते हो? दिन से जहाँ चलती चलती रात हो जाती है, वहीं सो जाता हूँ। अरे आज इधर कैसे याद कर लिया, क्या कोई प्लान है क्या पार्टी का? अरे नहीं यार, वो मैं पूछ रहा था आशीष कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कोई जगह खाली होगी क्या? अरे क्या बात कर रहा है तू, बता कब से आ रहा है, मैनेजमेंट देखा है यहाँ का? अरे यार मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक बच्चा है उसके लिए, उसे काम की ज़रूरत है। अच्छा चलो यहीं रेस्टोरेंट ले आओ, मैं यहीं पर हूँ, देखता हूँ कुछ। चलो ठीक है मैं आता हूँ। हाँ तुम क्या कर रहे थे? मैं जगह मिलने पर कहीं भी सो जाता हूँ। क्यों, घर क्यों नहीं जाते हो? नहीं है, चाचा ने बोलकर ये भगा दिया कि बाप नशेड़ी था, अपना सब घर वर बेच खाया। पापा। हाँ बेटा। पापा वो ये कह रहे थे कि 1-10 साल का बच्चा है, उसको काम की ज़रूरत है, तो आप ही बात करके देखिएगा। बेटा प्रिया तुम एक राइटर हो और पढ़ी लिखी हो, तुम्हें इतना तो पता है ना कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे से काम करवाना कानूनन जुर्म है, और अगर किसी ने शिकायत कर दिया तो 2 साल की सजा है। लेकिन पापा क्या उस दिन नीचे मर जाने पर भी किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, या उस दिन नीचे मर जाने पर किसी को सजा दी जाती है? बात तो ठीक है बेटा, देखो इमोशनल नहीं होते हैं, तुम्हें पता है हम लोग बिजनेसमैन हैं, और अब तक तो तुम समझ गई होगी कि एक बिजनेसमैन के कितने दुश्मन होते हैं। आज हमने बच्चे को काम पर रखा, कल कोई शिकायत दर्ज करवा दिया फिर। लेकिन पापा। बेटा कुछ काम कर लें, तुम इन सब चीज़ों में ना पड़ो।
लड़का तेज है यार। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनों के धोखे और समाज की बुराइयों में फंसकर बर्बाद हो जाए। अभी तुम इसे अपने साथ काम पे रख लो, बाकी जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं इसे लेकर जाऊँगा। अरे यार तू भाई है मेरा, और जब मेरे बुरे वक्त मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया था तब तू मेरे साथ। और यार मैं कैसे बोल सकता हूँ, तू एग्ज़ाम सेंटर के आधे रास्ते से एग्ज़ाम छोड़कर मेरे पापा को ब्लड देने हॉस्पिटल गया। यार अब ये सब बातें ना बोलो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया था। हाँ मतलब ये कहा जा सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स आज भी जिंदा हैं इंसान की इंसानियत के। चलो यार तुम परेशान मत हो, बच्चों को या कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स यार। और भाई ये सब छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो यार। आशीष भाई यार किस्मत और हाथ की लकीरों का कुछ तो वजूद होता होगा ना मेरे दोस्त, वरना हर मेहनती इंसान आज राजा होता। अरे यार तरुण भाई ऐसे मुस्कुरा कर इमोशनल मत हुआ करो भाई, दिल से बुरा लगता है। और बेटा क्यों? देखो आशीष भैया हैं, इनसे दोस्ती कर लो, अब यही काम करना यही रहना ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आशीष भैया से या तो हमसे कह देना, बेहतर होगा। ये आप कहीं जा रहे हैं क्या? अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है ना। चल ख्याल रखना अपना। चलो आशीष। ठीक है भाई ख्याल रखो भाई। चलो ख्याल रखना अपना। जरूर कहूँ सब ठीक तो है। हेलो। सब ठीक तो है यार तरुण, तुम जानते हो मैं 2 बजे रात में सो जाती हूँ, तब भी तुम इतनी रात में फोन किए हो। जानता हूँ प्रिया, अब रात को 2 बजे या तो एक एस्पिरेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग रहा होता है या तो एक सैनिक देश की रक्षा करने के लिए। तो इमोशनल हो, कोई रिजल्ट आया है क्या? नहीं नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा फोन कर ले। मतलब डिप्रेशन में हो? क्या कहा जाए यार, घर से निकले थे कुछ सपने लेकर, अब घर जाना ही एक सपने जैसा हो गया है। तरुण तुम 2 साल से घर नहीं गए हो, इतना डेली घर पर बात करते हो, ये सही नहीं है। तुमको घर जाना चाहिए, घर पर बात करनी चाहिए। मन तो बहुत करता है यार लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ती है मेरी, बिना जॉब के घर जाना अब अपराध सा महसूस होने लगा है मुझे। माँ की आंखों में पनप रही मेरी जॉब की एक आस दिखाई देती है। पापा की खामोशी के पीछे बहुत सारे अनकहे सवाल सुनाई देते हैं जिन्हें मैं इग्नोर नहीं कर सकता प्रिया। ये वक्त अब बहुत भारी महसूस होने लगा है मुझे। तरुण थोड़ा और धैर्य रखो, और अगर यार तुम्हें यूं ही सफलता मिल जाएगी तो मेरे पास तुम्हारी कहानी लिखने के लिए रह ही क्या जाएगा, और वैसे भी मुझे लग रहा है तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। सांत्वना दे रही हो मुझे? नहीं, बहुत अंदर से कुछ महसूस हो रहा है तुम्हारे सिलेक्शन को लेकर। सिलेक्शन हो ना हो हमेशा मेरे साथ रहोगी? अरे महाराज अगर मुझे साथ छोड़ना होता तो क्या मैं रात में 2-3 बजे नींद तोड़कर तुमसे बात कर रही होती? चलो ठीक है तुम सो जाओ, मैं जरा एक सेट सॉल्व कर लूँ फिर सोऊंगा। और तुम भी थोड़ा सा जल्दी ही सो जाना, नहीं तो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। प्रिया
सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करने वाले 95% एस्पिरेंट पागल ही होते हैं, तभी उनका सिलेक्शन होता है। और इस सिलेक्शन के लिए अपने पराए, रिश्तेदार, घर वालों के ताने, सोसाइटी का प्रेशर, इन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है। वाह, डायलॉग अच्छा है। वैसे कौन सी कहानी लिख रही हो? द डार्क पीरियड। ऑल द बेस्ट। वैसे कब तक पब्लिश होने का इरादा है? कुछ कहानियों को पूरा होने में वक्त लगता है, तुम्हारे सिलेक्शन के बाद। मैं तो बस उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम भी थोड़ा जल्दी ही सो जाना, उल्टी सीधी बातें मत सोचना और पढ़ाई पर ध्यान देना, ख्याल रखना। चलो बाय। संदीप जी सर, सब्जी वगैरह आ गई? हाँ, वो शिमला मिर्च नहीं मिली थी तो राघव मार्केट गए लेने। ठीक है, आज हिसाब करके जाना। ठीक है सर। सर चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? कुछ नहीं। अमर कहाँ है? वो स्कूल गया है, 2 बजे तक आएगा। ठीक। उस समय इंडिया और यूरोप के बीच में इस मार्ग से व्यापार होता था, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ईरान से होते हुए टर्की पहुंचा जाता था, और टर्की के बाद इस वाले हिस्से में जब पहुंचा जाता था तो यहां पर एक जलसंधि मिलती थी, और इस जलसंधि को कहा जाता है बालपोरस की जलसंधि। ईसीएस मेंस का रिजल्ट आया। शायद आज पहली बार तरुण से ज्यादा मुझे डर लग रहा था कि रिजल्ट लिस्ट में तरुण का नाम होगा भी या नहीं। तरुण फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो यार, जब तुम इमोशनल होते हो तो फोन ही नहीं उठाते हो। तो अब क्या बात करूं प्रिया, तुमसे भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूं। यार तुम मेरी आने वाली कहानी द डार्क पीरियड के मेन कैरेक्टर हो। और अगर यार तुम ही ऐसे बात करोगे तो बाकी के जो बच्चे हैं वो कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे? तुम्हें ऐसे देखकर तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। आई एम लूजर, आई एम लूजर प्रिया। अगर तुम्हारी ये कहानी मेरे ऊपर है तो शायद अधूरी ही रह जाए, शायद मैं इसका एक अच्छा क्लाइमेक्स ना दे पाऊं। गलत बोल रहे हो, इसकी राइटिंग भले ही मैं कर रही हूं पर इस कहानी के आने के बाद लोग मुझसे ज्यादा तुमको याद करेंगे। और मैं चाहती हूं कि तुम्हारे इस बुरे वक्त के बारे में पूरी दुनिया जाने। तुम मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकती हो? यार मुझे नहीं पता कि विश्वास तुम पर है या कृष्ण पर,
लेकिन इतना जरूर पता है, जब तक कृष्ण का हाथ हम दोनों के सिर पर है तब तक कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बस उम्मीद के सहारे ही तो खड़े हैं इस दौड़ में। सफल हो गए तो दुनिया के सामने अपनी कहानी सुना के रो सकेंगे, सफल रह गए तो कहीं अकेले में रो लेंगे। मुझे लगता है अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो प्रिया, शाम को 5 बजे आशीष के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अरे आज ये सूरज किधर से निकल आया? उठने में थोड़ा देर हो गई थी, पता नहीं। किस खुशी में मिल रहे हो? खुशी पर तो सभी मिलते हैं प्रिया, क्या तुम भी सिर्फ खुशी पर ही मिलोगी? ये कैसी बातें कर रहे हो तरुण? चलो अभी रखते हैं फोन, शाम को आशीष के रेस्टोरेंट मिलते हैं, मुझे राशि से बात भी करनी है। एक मिनट, आज UPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ, आ गया। ओह, मतलब सिलेक्शन हुआ है। बाय, शाम को मिलकर बात करते हैं। हेलो। हाँ आशीष, वो यार आज शाम को तुम्हारे रेस्टोरेंट मिलते हैं 5 बजे। यार एक इमरजेंसी है, मैं तुरंत अल्फाज नगर के लिए निकल रहा हूँ। तो अमर तो मिलेगा ना रेस्टोरेंट में? हाँ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे किसी दिन। बाय। ठीक है, बाय। अमर बेटा, भैया की चेयर पे नहीं बैठते, बैड मैनर्स। वो आशीष भैया ने बोला है कि मुझे काउंटर पे बैठना है। वैसे भैया आप मुझे कब लेके चलेंगे? क्यों, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। चलो छवि बैठो, मैं दीदी से बात कर लेता हूँ। तरुण पहले ये बताओ, तुम्हारा प्रीलिम्स में हुआ है ना? कुछ खाना ऑर्डर कर ले। पहले तुम अपने मुँह से बताओ ना, तुम्हारा प्रीलिम्स में हुआ है। तुम्हारे लिए नहीं, प्लीज तुम्हें कसम है, इसे घर जाकर ही पढ़ना। अब कुछ ऑर्डर करें? नहीं, तुमको सब अपने ही मन का करना है तो हम घर जाएं। तुमको देखने के लिए बुलाया था। क्या फ्री समझ रखा है क्या? एकदम पागल समझा है। मेरी प्यारी प्रिया, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे मोटिवेट करने के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमसे कुछ कह सकूँ कि एक बार फिर मैं अपनी लाइफ में फेल हो गया, और ना ही अब इतनी हिम्मत बची है कि मैं अगले साल बचा अपना लास्ट अटेम्प्ट दे पाऊँ। प्रिया, अब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, अगर मैं कहीं खो जाऊँ तो मुझे ढूंढना मत।
मैं आज तुमसे आखिरी बार मिलने के बाद तरुण स्वयं का आकलन कर। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने गुणों और अपनी कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। और फिर तुम तो द डार्क पीरियड का मुख्य किरदार निभा रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वैसे भी जीवन को संभाल कर रखने से बड़ी कोई सफलता नहीं होती है। उस बच्चे अमर को देखो, उसके पास तो जीवन में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपने जीवन को बचाकर ऊपर वाले के फैसले का सम्मान किया। फिर तुम तो बुद्धिमान हो, तुम ऐसी नीच हरकत करके ऊपर वाले के फैसले का अपमान कैसे कर सकते हो? और तेरा तो कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल की कामना मत कर, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, इसलिए तू केवल अपने कर्म करता रहे। अबे ये तो 2 साल पहले बने IAS तरुण मेहरा की कहानी है। हाँ प्रिया मेहरा तरुण मेहरा की वाइफ है। एक इंटरव्यू में बोली थी कि UPSC की तैयारी के दौरान जो तरुण मेहरा ने डार्क टाइम फेस किया था वो सीरियसली आजकल जो UPSC की तैयारी करता है ना वो बंदा उस वक्त को महसूस ही करता है। प्रिया दिवाली की शॉपिंग करने चलना है कि नहीं? हाँ कहानी पूरी होने को है, कंप्लीट हो जाए फिर चलते हैं। वैसे कौन सी कहानी पे काम चल रहा है इस समय? UPSC एक प्रेम कथा। कभी अगर खुद से हार जाना तुम तो गीता उठा लेना। वक्त का महत्व देखना है तो किसी भूखे बच्चे की भूख महसूस कर लेना। ऊपर वाले के फैसले का हमेशा सम्मान करना तुम, क्योंकि वक्त के पूरा होने पर ही कुछ कहानियों पर इतिहास रचता है। इतिहास रचता है।